ये पांच स्पोर्ट्स शूज आते हैं आपके बजट में अंडर 1000 रुपीज। आइए देखते हैं मजा आएगा। और इन्हें मैंने मंगवाया है अमेजोन से। सबसे पहला डब्बा है मेरे पास आप लोगों की फेवरेट ब्रांड कैंपस का। ये मैंने मंगवाया था अमेजोन से, सेलर था कोको ब्लू रिटेल जो कि एक वेरीफाइड सेलर है। यहाँ पर बॉक्स तो मुझे अच्छा रिसीव हुआ है, कार्डबोर्ड का, उसके ऊपर कैंपस का लोगो है। लेफ्ट साइड पे देख रहा है इसकी मॉडल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मॉडल का नेम है कॉस्मो प्रो 9 UK, इसकी साइज है, थोड़ी बहुत जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। और डब्बा ओपन करने पे मिल जाते हैं मुझे कॉस्मो प्रो के शूज। अब यहाँ पर MRP जो दे के रखी थी वो थी अराउंड 999 रुपीज, लेकिन अमेजोन से मुझे मिल गया था 750 रुपीज के काफी ही चीप रेट पे। एक फर्स्ट ओवर लुक ये रहा इन शूज का, प्रॉपर ब्लैक कलर के टोन में आ जाते हैं ये शूज। बेसिकली आज की वीडियो में सारे ही शूज हमारे जो स्पोर्ट्स पे ही डेडिकेटेड होने वाले हैं। अब यार ये वाले शूज की बात करूं तो आपको यहाँ पर प्रॉपर सा मैच मटेरियल देखने को मिल जाता है। पूरा ही ब्लैक जो आपको दिखेगा वो मैच का है, उसके ऊपर देख रखा है कैंपस का एक लोगो। और थोड़े से लुक्स को एनहांस करने के लिए देख रखी है यहाँ पर PU वगैरह की लेयरिंग जो कि आपको दिखेगी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से, एज वेल एज पीछे वाले पोर्शन पे। उसी के साथ को मिल जाता है एक स्ट्रैप जिससे आप शूज को होल्ड कर सकते हो, पहन सकते हो। और कैंपस का आपको एक और लोगो मिलेगा टंग वाले पोर्शन पे। अब यहाँ पर ना मैच के साथ ही साथ अंदर की ओर फोमिंग देख रहेगी जिससे कम्फर्टनेस जो है बढ़ जाती है। यहाँ पर कैंपस ने कोई खास सा मेमोरी फोम तो नहीं देख रखा है, लेकिन नॉर्मल सा इंसोल यूज करके रखा है जो कि आपकी स्पोर्ट्स सेशन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पर आपको जो पूरा ही सोल है वो गाइस ईवा का देखने को मिलेगा जिसके ऊपर फील रिलैक्स की ब्रांडिंग करके रखी है। अब यहाँ पर जो है सोल जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो इससे होता है क्या, आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और उसी के साथ जो है आपको बाउंसीनेस मिलती है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो जाती है। अब विद द टाइम ये सोल जो है घिस जाएगा, लेकिन आपके स्पोर्ट्स पर्पस में जो कि हो गया अगर आप थोड़ी बहुत रनिंग भी करोगे या फिर आप क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो या फिर आप बास्केटबॉल खेलते हो, तो वहां पर भी आपको ये प्रॉपर से हेल्प करने वाले हैं। इसलिए मैं डेडिकेटेड स्पोर्ट्स शूज पे ही ये वीडियो लेके आया हूँ। अब बात आती है इसके लाइटवेटनेस में, तो ये जो है शूज सिर्फ और सिर्फ 240 ग्राम्स का है और काफी ज्यादा लाइट वेट है। अच्छा, यहाँ पर सोल के ऊपर कैंपस ने थोड़ी बहुत अपनी ब्रांडिंग करके रखी है और प्रॉपर से पैटर्न देकर रखे जिससे आपकी ग्रिपिंग जो है प्रॉपर बनी रहे आपके स्पोर्ट्स वाले सेशन में। अब ये वाला शूज लोग पूछोगे कि हम लोग डेली वेयर पे पहन सकते हैं, तो आप लोग पहन सकते हो। इसी के साथ आप लोग अगर जिम में भी यूज करना चाहते हो गाइस, तो ये वाला शूज आप जिम में पहन सकते हो। तो इस शूज की जो मैंने आपको माइन्यूट डिटेल्स तो बता ही दी है और लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से बाय कर सकते हो। यहाँ पर सेकंड बॉक्स से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ब्रांड लिबर्टी। बहुत पहले काफी अच्छे शूज बनाती थी, लेकिन अब जो है गुमनाम है, लेकिन लिबर्टी मैंने सोचा मंगवा ही लिया जाए। यहाँ पर बॉक्स आपको प्रॉपर लिबर्टी का रिसीव होगा जिसके ऊपर लिबर्टी की ब्रांडिंग करके देखिए। लेफ्ट हैंड साइड पर देख रखी है इसकी प्राइस इन्फॉर्मेशन, साइज इन्फॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर शूज का मॉडल नेम है लिबर्टी रॉजर ई। यहाँ पर बॉक्स के अंदर है बहुत ही लाइट वेट शूज। इन शूज का वेट है अराउंड 210 ग्राम जो की बहुत लाइट वेट बना देता है। अब यहाँ पर पूरे ही शूज में जो है मैश यूज करके रखा है। बेसिकली स्पोर्ट्स शूज जितने भी होते हैं वहाँ पर मैश और एज वेल एज अंदर। यहाँ पर लेसिस क्वालिटी थोड़ी सी चीप है। इस शूज के टंग के ऊपर देख रहे हैं कि ये लिबर्टी ने अपनी फोरस्टैन की ब्रांडिंग, फोरस्टैन बेसिकली इनकी एक सब ब्रांड है जो कि लिबर्टी के नेम के अंदर ही जो है सेल आउट होती है। अब पूरे ही शूज में ऐसा कुछ खास बात करने की तो नहीं है, लेकिन पूरा ही मैश यूज करके रखा है। नीचे की ओर जो सोल है आपको गाइस वो पूरा ही ईवा का देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई भी TPR वगैरह की लेयरिंग यूज नहीं करके रखी है, लेकिन ईवा का सोल काफी मजबूत है। और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है इसकी ड्यूरेबिलिटी एज वेल इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, कितना फ्लेक्सिबल शूज है, कितना लाइटवेट शूज है। और उसी के साथ जो यहाँ पर क्वालिटी वर्क करके रखा है, आपको कहीं भी ग्लूइंग या स्टिचिंग के ऐसे कुछ निशान नहीं देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ पर लिबर्टी ने अपने सोल के नीचे थोड़ी एक्स्ट्रा लेयरिंग देकर रखी जिससे आपको कुशनिंग मिल जाए, और उसी के साथ आपके जितने भी स्पोर्ट्स सेशन है वहां पर आपको कंफर्टनेस जो है अच्छी निकल के आ जाए। शूज को पहन के आप अपने ग्राउंड सेशन वगैरह कर सकते हो, आपको अगर जिम जाना है तो वहां पर भी इसको यूज कर सकते हो। इसके लाइटवेटनेस, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और जैसे कंफर्ट जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। लिबर्टी रॉजर ई की प्राइसिंग थी अराउंड 850 रुपीज। मैंने मंगवाया था इसे अमेजोन से, कोको ब्लू रिटेल इसका सेलर था, तो ऑफिशियल सेलर से मुझे हमेशा जो है सपोर्ट मिलता ही है। वहां पर आपको मिल जाती है 10 डेज का रिटर्न, उसी के साथ 499 रुपीज की अबोव की शॉपिंग पे फ्री डिलीवरी। तो बेसिकली शूज मुझे अच्छा लगा है, काफी अच्छा है, आप लोगों को बाय करना है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हमारा थर्ड वाला शूज भी काफी अनएक्सपेक्टेड ब्रांड तरफ से आता है, JKR स्पोर्ट्स इसका नाम है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है गाइस वो इमरान हाशमी है। तो यार इमरान हाशमी के नाम में मैंने मंगवा लिए, कैसे लगते हैं। यहाँ पर बॉक्स आपको JKR स्पोर्ट्स में काफी अच्छा रिसीव होगा, पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। और लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, मॉडल इन्फॉर्मेशन और इसकी जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुई है 8 UK मैंने मंगवाया था। इस मॉडल का नाम है SMS, काफी छोटा सा नाम है। शूज उसी की बात जो है मेन होती है। तो यहाँ पर शूज में सबसे पहली चीज जो मुझे हाईलाइट करी है गाइस वो है इसका TPR का सोल। अंडर 1000 रुपीज अगर आपको TPR का सोल मिल जाए तो यार वो सोने पे सुहागा हो जाता है, तो यहाँ पर वो चीज मुझे अच्छी लगी है। बात करते हैं इस SMS वाले शूज की, तो यहाँ पर पूरा एरोडायनामिक
डायनामिक स्ट्रक्चर फॉलोड है, उसी के साथ देखे रहे कि आपको मैच की प्रॉपर सी लेयरिंग, थोड़ा सा हार्ड मैच है, पहले वाले शूज में थोड़ा सॉफ्ट था, यहाँ पर हार्ड है, लेकिन डॉटेड पैटर्न देखे रखे जिससे आपका पाव में जो एयर फ्लो है और उसी के साथ जो पाव की ब्रीथेबिलिटी है वो बनी रहे। ये चीज मुझे काफी ज्यादा इसमें अच्छा लगा है। अब यहाँ पर मूव फास्टर की थोड़ी बहुत ब्रांडिंग करके रखी है, ऑरेंज कलर का टचअप देके रखा है, ग्रे प्लस ब्लू कलर का शूज है, पीछे की ओर आपको एक स्ट्रैप देखने को मिल जाता है और इसी के साथ JQR की एक ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी टंग के ऊपर। यहाँ पर लेसेस की क्वालिटी भी सेटिस्फैक्टरी है, लेकिन लेसेस के ऊपर जो फास्टनिंग वर्क करके रखा है ताकि लेसेस खुले ना, वो मुझे काफी ज्यादा जो है अच्छा लगा है। इसी के साथ मुझे एक और चीज ने जो अट्रैक्ट किया है वो इसका इंसोल। JQR का प्रॉपर सा मेमोरी फोम, एक्स्ट्रा कुशनिंग वाला मेमोरी फोम आपको रिसीव होगा जो कि आपको कंफर्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगा। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर जो इसका कुशनिंग वर्क है, इसी के साथ यहाँ पर जो इसका कॉलर एंड कंफर्ट देगा वो बहुत ही तगड़ा है। और अगर आप स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं यूज करना चाहते हो तो आप बेसिकली इसको कंसिडर कर सकते हो। बीच में आपको मिल जाएगा एक ईवा का सोल और इसी के साथ आउटर लेयरिंग देके रखी है TPR की, जिसके ऊपर JQR की ब्रांडिंग है, ग्रिपिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन देके रखी है। ग्रिपिंग मुझे काफी अच्छी लगी, आप देख सकते हो गाइस प्रॉपर जो है ग्रिप हो पा रहे थे मेरे सेशंस में। इसी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी तगड़ी है और इन शूज का वेट है अराउंड गाइस 270 ग्राम्स, और ये भी कहीं ना कहीं लाइट वेट ही निकल के आता है। आप लोग अगर स्पोर्ट्स सेशन में डेफिनेटली प्रिफर कर रहे हो कुछ नई ब्रांड या फिर TPR वाला सोल चाहते हो, थोड़ा सा हार्ड शूज चाहते हो, तो आप ये वाला कंसीडर कर सकते हो। इसकी प्राइस मैंने बता दी है, 820 रुपीज में अवेलेबल है अमेजोन पे और मुझे ये अच्छी डील लगी है। स्पार्क्स जो अपने शूज प्राइस चार्ज करता है वो एकदम एक्यूरेट रहती है और मुझे बड़ा मजा आता है। स्पार्क्स के यहाँ पर मुझे प्रॉपर सा बॉक्स रिसीव हुआ है, अक्षय कुमार की फोटो है, लेफ्ट साइड पे देख रहे इसकी ब्रांडिंग इन्फॉर्मेशन, मॉडल नेम है SX414G। अब यहाँ पर डब्बा खोलने में मुझे शूज पहले नजर में बहुत ही अच्छे लगे थे। ये ब्लैक कलर के शूज हैं, ग्रे कलर का नीचे इंसोल है और दिखने में गाइस बहुत ही तगड़े शूज लगे हैं। अब यहाँ पर पूरे ही शूज में जो है एरोडायनामिक स्ट्रक्चर जो है फॉलोड है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके रनिंग में ऐसे आपके स्पोर्ट्स सेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और एक आप पूछोगे कि मैं इन पांचों शूज का पर्सनल फेवरेट क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा वोट इसी को जाएगा। अब यहाँ पर स्पार्क्स ने अपने ब्लैक कलर का प्रॉपर सा मैश कुशनिंग देके रखी है, जिसकी क्वालिटी मुझे गाइस बहुत ही अच्छी लगी है। लिटरली यहाँ पर जो क्वालिटी यूज करके रखी है, जो कुशनिंग वर्क करके रखा है और उसी के साथ जो ग्लोइंग करके रखी है, वो बहुत ज्यादा टॉप नॉच है। स्पार्क्स का एक लोगो आपको देखने को मिलेगा एक्स वाला और उसी के साथ स्पार्क्स की एक ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी टंग के ऊपर। यहाँ पर लेसिस भी जो है एक नॉर्मल सी यूज हुई है, लेकिन उसका वर्क जो है बहुत ही बढ़िया है। और इसी के साथ जो अपने एक्स्ट्रा कुशनिंग देके रखी है, पैडेड वर्क करके रखा है अपने वाले पोर्शन पे, हील वाले पोर्शन पे, वो मुझे अच्छा लगा है। इसी के साथ स्पार्क्स का एक प्रॉपर सा लोगो आपको हील वाले पोर्शन पे भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज निकल के आ जाती है शूज का आउटसोल, यहाँ बेसिकली अल्ट्रा कुछ से ब्रांडिंग देके रखी है और यहाँ पर जो इसका ग्रिपिंग वर्क देके रखा है वो भी काफी तगड़ा है। अब यहाँ पर सोल जो है ईवा का, उसके कारण क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी काफी तगड़ी निकल के आ जाती है, उसके साथ जो एक्स्ट्रा बाउंस आपको एक्स्ट्रा कुशन में जो देखने को मिलती है वो तगड़ी है। स्पार्क्स का एक लोगो आपका आउटसोल में भी देखने को मिल जाता है, तो स्पार्क्स ने अपनी ब्रांडिंग बहुत ही तगड़ी करके रखी है। और ये वाला शूज मुझे पड़ा था अराउंड 900 रुपीज और 900 रुपीज में गाइस वर्थ डील है। अंदर 1000 रुपीज अगर आप कुछ स्पोर्ट्स शूज देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इस बार टेस्टिंग के लिए काफी ज्यादा नई ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कर दी थी, तो मैंने एक और मंगवा लिया है। अमेजोन पे अवेलेबल था अवांट के शूज, पहली बार इसका रिव्यू करने वाला हूँ। यहाँ पर ब्लैक कलर की प्रॉपर सी ब्रांडिंग देके रखी है, लेफ्ट हैंड साइड आपको देके रखी है इसकी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, मॉडल नेम। अब यहाँ पर इसका जो मॉडल नेम है वो है डायनामाइट। अब कितना डायनामाइट है, कितना बम शूज है, तो देखेंगे अपन इसकी अनबॉक्सिंग में। अनबॉक्सिंग करने में मिल जाते हैं ये वाले शूज। ग्रे कलर में शूज जो है अवेलेबल है, इसका व्हाइट कलर का एक सोल देके रखा है और एक फर्स्ट आप जब इसको हाथ में उठाओगे तो आपको काफी लाइटवेट फील होने वाला है। तो जो वेट है इसमें सिर्फ 240 ग्राम्स निकल के आया। सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी लगी है पैडेड कुशनिंग मैश। अब यहाँ पर जो मैश यूज करके रखा है वहाँ पर प्रॉपर सी स्टिचिंग वर्क करके रखा है और उसी के साथ पीछे की ओर आपको मिल जाती है ये वाले पोर्शन पे अवांट की ब्रांडिंग। थोड़ा सा उसको स्ट्रैप जैसे भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा फंकी लुक देने के लिए यूज करके रखा है। अब यहाँ पर जो इसका कॉलर एंड कंफर्ट है गाइस वो भी बहुत तगड़ा है। यार मतलब कुशनिंग वर्क जो है काफी अच्छा लग करके रखा है और पीछे के जो शूज चुभते हैं वही शूज आपको फील नहीं होगा। यहाँ पर इंसोल ने भी अपना अवांट का यूज करके रखा है और इंसोल इतना मोटा तो नहीं है, लेकिन आपके स्पोर्ट्स सेशन में आपको कंफर्ट अच्छा दे देगा। आप लोगों को जो है स्वेटिंग वगैरह की इस शूज में दिक्कत बेसिकली फेस हो सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग सेशंस में पहनोगे तभी। अब बात करते हैं इसके सोल की, तो सोल यहाँ पर पूरा ही ईवा का है, बेसिकली रबर होता है ईवा, व्हाइट कलर का पूरा देखने को मिलेगा और नीचे की ओर ग्रिपिंग मुझे थोड़ी सी कम लगी है। एक्सीडेंटल फॉल्स अगर इस शूज में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप शूज गिफ्ट करना चाहते हो अपने फादर वगैरह को या फिर अगर वो थोड़ी बहुत जॉगिंग या वॉकिंग करते हैं तो ये शूज वहाँ पर बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लेसेस की क्वालिटी भी तगड़ी है और उसके ऊपर एवांट की ब्रांडिंग करके रखी टंग के ऊपर और उसी के साथ इसका वेट भी जो है वो कम निकल के आता है। इसकी प्राइस थी अराउंड 820 रुपीज और 820 रुपीज में कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। तो दोस्तों ये पांचों ही शूज आपको मिल जाएंगे अंडर 1000 रुपीज में। मैंने लिंक्स जो है अमेजोन की दी है बिकॉज वहाँ पर काफी चीप रेट पे अवेलेबल थे और उसी के साथ वहाँ पर अगर आपको साइज वगैरह का इशू आता है तो रिटर्न वगैरह भी हो जाता है। बाकी जो है पांचों शूज मुझे अच्छे लगे हैं। फिर भी अगर एक ओपिनियन पूछोगे आप, तो JQR और स्पार्क्स ने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज करा है उनकी ड्यूरेबिलिटी और उनकी क्वालिटी से। बाकी तो यार आपको लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में बाय कर लेना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।